बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकॉल ऑफ गन काफी आता है, हमें अपना लो याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, इसकी बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी रिपीट करो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेंस सेम कंजर्व। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एफ एक्सटर्नल 0 है अगर, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, बहुत आसान सी बात है। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये गन है अपनी, ठीक है, और गन के अंदर ये बुलेट है, ठीक है, तो एम जी तो आपको दे रखा है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, एम जी आपको दे रखा है मास ऑफ गन, ये आपको जनरली आपको किलोग्राम में ही देता है, एम जी तो हो गया मास ऑफ गन। एम बी जो होता है मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट जनरली वो ग्राम में देगा, रट के रख लेना अच्छे से, ग्राम में देगा वो, आप 1000 से डिवाइड करना है आपको, ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक बहुत अच्छे कर देते हैं। तो ग्राम में देगा, 1000 से डिवाइड करना, किलोग्राम में बदलना, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा हूँ बी जी, बी जी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। फिर बी बी लिखा मैंने, बी बी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी, बुलेट। ठीक है, जनरली मीटर पर सेकंड में ही मिलेगा, यहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। तो ये तो कुछ ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, इसके अंदर ही ये बुलेट है, ठीक है, ये पेगा फिगर है, तो अब क्या लिखेंगे, बिफोर फायर, बिफोर फायर पहला टाइम। दूसरा डायग्राम बनाएंगे, दूसरा डायग्राम बनाया, वही गन है, ठीक है, ये डायग्राम बना अपना आफ्टर फायर। अब ये तो सबको मालूम भाई, बुलेट चला रहा है वो, तो बुलेट जो जानी है वो इसी डायरेक्शन में जानी है, ठीक है, बुलेट तो इस डायरेक्शन में जानी है, हमें ये पता करना है कि गन किधर जाएगी, हमें ये पता करना है कि गन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, पूरा क्वेश्चन देख लो आप, बोर्ड पर बता हुआ है, ये बिफोर फायर है या आफ्टर फायर है। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो। एम जी जो है वो मास ऑफ गन है, आपको किलोग्राम में मिलेगा, एम बी मास ऑफ बुलेट है, वो आपको ग्राम में मिलेगा, 1000 से डिवाइड करना है, ध्यान रख लेना। बी जी जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन है, बी बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यू जी जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, और यू पी जो है इनिशियल, सर ये तो जीरो होगी ना सर, इनिशियल वेलोसिटी तो। यस, ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम देख लो कितना होगा इसका, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ गन जीरो, वेलोसिटी, हाँ एक सेकंड में आगे लिखूंगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। फाइनल क्या होगा, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। अब बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो क्या है, जीरो है, जीरो है, वो तो रेस्ट में थी, तो आपके पास क्या जाएगा, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू जीरो। आपसे यहाँ पर पूछते हैं व्हाट इज अ वेलोसिटी ऑफ गन, तो वेलोसिटी ऑफ गन हम निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास माइनस ऑफ, ये कर देंगे मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन ये एक अलग कर देता हूँ, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कर देता हूँ, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी, एक तो फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास, एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपको। अब इसी को मैं इस तरह से लिख दूं कि माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन, तो मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन तो कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्वांटिटी तो आपकी कांस्टेंट हो गई, ये तो चीज यस सर, है,
आप ध्यान दो इन दो चीजों पे, तो जो डायरेक्शन बुलेट की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, तो जो डायरेक्शन बुलेट की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, गन की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है तो बैक साइड में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गन होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो डेट सर आ गया सर, डेट वेलोसिटी ऑफ गन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, यानी बुलेट की जो वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी गन की, उसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन, इसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। समझ में आया आपको? तो कोई भी आपसे पूछता है सर, हैदम वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस में मतलब पॉजिटिव ही होती है। हाँ, ये डायरेक्शन आप अपोजिट होगी, प्लस माइनस भी अगर आप बात नहीं करो, आप ये मान लो कि जो डायरेक्शन बुलेट की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन ही गन की होगी। मान लो आपने गन बुलेट इस तरफ फायर करा तो बुलेट की डायरेक्शन माइनस हो गई तो गन की प्लस हो जाएगी, ठीक है? तो लेकिन हरदम रिकॉइल में तो माइनस ही आता है। हाँ, क्योंकि जनरली अपन ये डायरेक्शन लेते हैं ना हमेशा, उसमें वो जो भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये तो लिखेगा ही नहीं कि भाई वो इसने ईस्ट की डायरेक्शन में फायर करा या वेस्ट की डायरेक्शन में फायर करा है। वो तो क्वेश्चन में बस यही लिखता है कि आप बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो जनरली अपन क्या सेफ साइड लेते हैं, सेफ साइड ही लेते हैं कि भाई इसी तरफ फायर करा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस हो गई तो ये गन की माइनस हो गई, बस कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. So this is called recoil of gun. So it's very